हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्चुअल फीलिंग के बारे में, देन फिर ट्रिक्स के बारे में। तो देखो, बहुत सिंपल है ये कि अगर मैं किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल है, तो उसके कुछ प्रेशर यहाँ पे रहेंगे, राइट? वे जो मॉलिक्यूल उसके वेपराइज होंगे तो इसलिए उसको बोलेंगे पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि उस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, जहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? जहाँ पे सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स वो वोलाटाइल नहीं होगा और सॉल्वेंट तो वोलाटाइल था ही, तो इसलिए इसका पी नॉट बी जो सॉल्यूट है उसका पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। और अब सॉल्वेंट का जो होगा वो पी नॉट ए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है, कुछ सरफेस, कुछ जगह सॉल्यूट पार्टिकल ने ले रखा होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, राइट? तो इसलिए हम टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलें या सिर्फ उसको पी से रिप्रेजेंट करें या टोटल प्रेशर, वो एक्चुअली प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के होगा, और जो कि हम रॉल्स लॉ से निकाल सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो ये दोनों चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में आपको क्या दिखा, डैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल फीलिंग, कि भाई एक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। डैट मीन्स जो अभी पी नॉट ए है हमारा, जब हमने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया और जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो डैट इज पी ए, तो डेफिनेटली जो आपका पी नॉट ए है वो ग्रेटर है पी ए से, और पी ए ही क्या है, ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर है या फिर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो क्या हो गया, आपका प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और कैसे डिफाइन करेंगे, प्योर में से माइनस कर देंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि वही वोलाटाइल है, राइट? तो इस डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक वर्ड होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव वर्ड लगाने से किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और वो जो है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर का, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ हम तो जानते ही हैं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होता है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, बट यहाँ पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको अगर जीरो पुट कर दोगे तो पी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट? और यही टोटल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। दूसरा, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की जगह मैंने वन माइनस एक्स बी पुट किया और इसको अरेंज कर दिया। तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हुआ, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी हो गया, राइट? तो यहाँ से आप कह सकते हो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होंगे, नीचे में टोटल मोल्स होगा, डैट मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे, वो किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालोगे आप, तो डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर पी नॉट ए और पी गिवन है सॉल्यूशन का तो इससे निकाल लेंगे, नहीं तो वही किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, अगर वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है, डैट मीन्स वो आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसको ही वो ऐसे बोल दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो वही बात हो गया, राइट? दोनों चीज़ें एक ही हो गई, बस ध्यान रहे ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, राइट? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और एक केस लिया हमने कि अगर मान लो कि मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी से बहुत ज़्यादा है, डैट मीन्स वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन है, तो इन दैट केस जो एन ए प्लस एन बी एन ए के बराबर हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ एन बी बाई एन ए प्लस एन बी को यहाँ पे और रिवर्स कर दूँ, तो फिर हमें ये रिलेशन आ जाएगा, तो कभी कभी ये रिलेशन भी यूज करते हैं, राइट? तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें रटना नहीं है। तो फाइनल पॉइंट क्या निकल का आया, ट्रिक्स का पॉइंट क्या है, कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रहे, ना तो वेपर प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट? ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए माइनस पी, जो कि पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओनली, दिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स
ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको अभी बताया, तो ये ध्यान रखना है। और आप क्या देख पाए कि जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं कैसा, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड वाला, जैसे वाटर में NaCl, ग्लूकोज, यूरिया ये सब ऐड कर दिया, तो इन दैट केस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो टोटल चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो वेपर प्रेशर वाला और फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको बिल्कुल ही एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम इस पे बेस्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है और पी नॉट ऑफ वाटर इज 24 mmHg, तो सबसे पहले यहाँ पे ये रीड करने आना चाहिए आपको। 30% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 100 ml लिया तो उसमें 30 ग्राम आपका कौन है, ग्लूकोज, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है 1 ml का मास 1.2 ग्राम है, तो 100 ml का कितना हो जाएगा, 1.2 × 100 डेट इज 120 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, जिसमें 30 ग्राम तो आपका सॉल्यूट हो गया, राइट। तो इसलिए 90 ग्राम कौन हो जाएगा आपका, वाटर। तो इसके मोल्स निकाल सकते हैं, 30/180 ग्लूकोज है तो 1/6 हो जाएगा, और ये 90/18 तो ये 5 मोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो आपके पास दो तरीके हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, चूँकि सिर्फ सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो पी नॉट ए एक्स ए से निकाल सकते हो आप, राइट। तो पी नॉट ए आपको गिवन है 24 मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे एक्स ए क्या है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं खुद 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, तो 5 + 1/6, तो ध्यान से देखो तो ये 30/31 × 24 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्लोज टू 24 होगा, लेकिन चूंकि 31 ये बिगर है तो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज में 25 तो पॉसिबल ही नहीं था, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे कम, तो ऑप्शन बी होगा, राइट। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है, सॉल्यूट के बारे में कुछ भी नहीं, पी नॉट गिवन है, डेट मीन्स नॉन वोलाटाइल है, तो आपको मालूम है पी नॉट ए डेट इज प्योर वेपर प्रेशर माइनस P/P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, 1/6 / 5 + 1/6, और ये वैल्यू आप कैसे निकालते, तो 24 माइनस यही P जो आपको निकालना था सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय 24, तो इधर से आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाता है 31/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो 1/ कितना हो जाता 31, राइट। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से सेम आंसर आएंगे, जस्ट समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर टू में व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर वेपर प्रेशर बाय 0.2 mmHg, 0.2 mmHg से कम करना, और पी नॉट ऑफ वाटर अगेन गिवन है। अगेन यहाँ पे एक ही सॉल्वेंट का आपको वेपर प्रेशर गिवन है, डेट मीन्स RLVP लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप रॉड्स लॉ भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो तो अगर आपको क्या दे दिया है कि लोअर बाई 0.2 mmHg, डेट मीन्स आपको डेल्टा पी गिवन है, तो डेल्टा पी बाई पी नॉट कितना होता है 54.2, राइट। तो ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, वेट नहीं मालूम है, मान लिया x ग्राम बाय 180, ये इसके मोल्स डिवाइडेड बाय, चूँकि ध्यान से देखो तो आपके जो ऑप्शन है वो 3 या 4 के आसपास हैं, राइट। तो उसमें 180 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स बहुत कम आने वाला है, इसलिए नीचे में बाय द वे यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है मतलब 5.5 मोल्स उसके हैं, प्लस इसके भी होते हैं जिसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वेरी वेरी लेस होंगे, इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें x आ जाएगा, कैसे ध्यान से देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 2 हो गया वो, ये 542, ये x बाई 180, और ध्यान से देखो तो ये कितना था 100 ग्राम था, तो 100/18 एक्चुअली था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ से x हो जाएगा 1000 × 2/542। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको आप 540 ले लेंगे अप्रॉक्स में, तो 1000 × 2/
540, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 27, इसको भी मैं अगर आप ध्यान से देखो तो 25 ले सकता था, तो ये 4 टाइम्स में, तो एक बात तो क्लियर है कि उससे 4 से कम होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था, 4 से कम होगा, तो ये दो ऑप्शन है, चूँकि वेरी क्लोज है तो अब हमें करना पड़ेगा, राइट। तो आप कर सकते हो 27 3 टाइम्स में जाएगा पॉइंट, और जो बचेगा तो वो 6 टाइम्स में आएगा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन, डेट इज बी। तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी सी 3 सॉल्यूट है जिसको 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, सबका 10 ग्राम डिजोल्व किया गया है, मॉलिकुलर वेट सबका गिवन है, तो आरएलवीपी का ऑर्डर। तो यू नो अभी आपने देखा आरएलवीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल्स कैसे होंगे, तो उसके वेट बाय मॉलिकुलर वेट, उसके मोल्स ऊपर होंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबका वेट तो उसने सेम कर दिया है, डैट मीन्स मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी ऑलरेडी नो। तो जिसका ज़्यादा मॉलिकुलर वेट होगा उसका कम होगा, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो ध्यान रखना आर एल वी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इवन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिकुलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो इस टाइप से आपको करना है। नाउ ज्ञान की बात, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेरी सिंपल है, जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो ये नॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल में क्या करते हैं आपको मालूम है, वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकलते हैं, 1+(n-1)(α), एन क्या है नंबर ऑफ आयंस, कितने ब्रेक होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉल्यूट के मोल्स में, तो आई इंटू एन बी, सॉल्वेंट का तो एज इट इज रहेगा, वो तो डिसोसिएट होने रहा, तो एबनॉर्मल इसको बोलेंगे। इसमें बेस एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे 80% MgCl2 इज डिसोसिएटेड, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ MgCl2 बताना है, P0H2O गिवन है। तो अगेन इसको करने के दो तरीके हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ सॉल्वेंट वोलाटाइल है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है, तो रॉल्स लॉ में लगा ही सकता हूं, तो जो प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना था, डेट इज टोटल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है, P0A तो आपको गिवन है, डेट इज 50 मोल फ्रैक्शन A का, उसके मोल्स आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो वन मोलल गिवन है, वन मोलल का क्या मतलब हुआ, वन मोलल का मतलब हुआ कि वन मोल अगर सॉल्यूट है आपका किसमें, 1000 ग्राम वाटर में, राइट। तो यहाँ पे वाटर का भी आपको मोल्स निकल गया है और सॉल्यूट का भी मोल्स निकल गया, तो हमें ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1000/18 ये मोल्स हो गए उसके, राइट, और ये मोल्स तो रहेंगे ही डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमें किसका लेना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स वन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, तो MgCl2 कैसे ब्रेक होगा आपको मालूम ही है, Mg+2 में और 2Cl- में, तो इसी को मैंने बताया टोटल आयंस हमें n कितना मिल गया, 3, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, तो i कितना हो जाएगा, 1+(3-1) डेट इज 2, और अल्फा गिवन है 80% मतलब 0.8, तो यह आ जाएगा आपका 2.6, तो यहाँ पे आप कर देना आपको 2.6, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 50 × ये अप्रॉक्स में 55.5 होगा, नीचे में 55.5+2.6, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 50 × ऊपर में 55.5, नीचे में ये 58.1 के आसपास, तो आप ध्यान से देख सकते हो 50 से कम होगा और ये क्लोज टू में आपको 48 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरा आप इसी को ऐसे भी कर सकते थे, राइट, कैसे, डेल्टा पी, तो पी नॉट डेट इज गिवन टू यू 50- प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में अभी आप निकाल चुके हो उसका कितना हो गया 2.6 डिवाइडेड बाय 2.6 प्लस वो सॉल्वेंट का, तो वो कितना हो जाएगा 1000/18, तो यहाँ से भी सॉल्व करते तो भी आपको पी कितना आता 48। तो करने के दोनों तरीके हैं, सेम ही बात है, तो जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश की है। नाउ हेनरी लॉ, तो ध्यान से समझो, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, वेरी सिंपल इसका कहना था, जैसे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि अगर मेरा प्रेशर 1 bar है, ये कोई मेरा सॉल्वेंट है, राइट, और इधर कोई गैस रखी हुई है, राइट, तो अगर प्रेशर कम होगा तो गैस के बहुत कम मॉलिक्यूल वाटर में आएंगे, अगर प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, ध्यान से देखो 2 bar कर दिया,
तो उसी गैस के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें आएंगे। तो बस उसका वही कहना था कि अकॉर्डिंग टू हेनरी जो मास होगा गैस का किसमें, लिक्विड में, ध्यान रहे मास ऑफ गैस इन लिक्विड कितना आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे जो गैस है वो कितने प्रेशर पे, ऑब्वियस होता है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस के पार्टिकल उतना ही ज़्यादा लिक्विड में आ जाएंगे, सॉलेंट में आ जाएंगे। तो ये उनका कहना था इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि मास ऑफ एनी गैस डिजॉल्व इन सॉलवेंट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जो आपको गिवेन होगा और इनटू प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, ये उनका कहना था। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हेनरी लॉ है वो एक स्पेशल केस है रॉड्स लॉ का। यहाँ पे भी ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है प्रेशर ऑफ गैस मतलब गैस का खुद का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, तो वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान रहे एक्स लिखा है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन कहाँ, लिक्विड फेज में। गैस का जितना से ज़्यादा मोल्स लिक्विड में होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट। और अगर आप ध्यान से देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ गैस इन वाटर या इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, इस तरीके से निकाल सकते हैं। चूँकि ये जो बहुत कम होगा इसलिए हमने सिर्फ सॉल्वेंट का लिया और इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट, राइट, वेरी डाइल्यूट के लिए लग जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर मैं ऐसे लिखूं इसी गैस के प्रेशर को, जो इंडिविजुअल प्रेशर है उस गैस के प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं वाई गैस इंटू पी टी। तो ये वाई गैस इंटू पी टी क्या, वाई मतलब यहाँ पे, राइट, इस खाली स्पेस में, डेट मीन्स गैस फेज में मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, राइट। तो ध्यान रहे इंटू टोटल प्रेशर है, तो ये गैस का खुद का है, ये टोटल प्रेशर, तो गैस का प्लस जो एक्स्ट्रा कोई होंगे उसका प्रेशर मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। नाउ कंसेप्चुअल बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैंने क्लियर किया यहाँ पे। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि गैस का गैस में कनेक्शन, डैट मीन्स जब गैस में गैस डिजोल्व है, गैस गैस का मिक्सचर है, तो प्रेशर ऑफ एनी गैस, डैट मीन्स उसका खुद का प्रेशर, डैट मीन्स पार्शियल प्रेशर, सब एक ही बात है, वो क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन गैस फेज में इनटू टोटल प्रेशर। तो ये गैस गैस में बात किया था। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक तरीके से इसने क्या कहना चाहा कि जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट वोलाटाइल होंगे तो वेपराइज होकर कहेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा पीए या पीबी वो उसके प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस में, ध्यान दें लिक्विड फेज में। तो एक तरह से ये गैस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, बट ध्यान से समझते हुए दोनों वोलाटाइल हैं तो, या एक वोलाटाइल हैं तो ये कितना वेपराइज होकर के गया, यहाँ पे निकाल सकते हैं लिक्विड के सरफेस पे। जबकि हेनरी का क्या कहना है, उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक तरीके से, कि जो भी गैस यहाँ पे है तो वो कितना ज़्यादा डिजॉल्व होंगी, कितना ज़्यादा वो लिक्विड फेज में आएंगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना है। तो इसलिए मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इसमें डिजॉल्व होंगे। इसलिए मैंने बोला कि हेनरी लॉ जो है वो स्पेशल केस ऑफ रॉड्स लॉ है, राइट, दोनों का कहना एक तरीके से सेम है, जस्ट घुमा करके बोला है। तो इसलिए प्रेशर ऑफ गैस तो जितना ज़्यादा होगा, अभी साथ है मोल फ्रैक्शन गैस का किस में, लिक्विड में, क्योंकि एक्स लिखा हमने, एक्स का मतलब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और उसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये भी हम यूज़ करते हैं फार्मूला, और ये भी डिपेंडिंग क्या गिवन है। तो अब हम इस पे बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन में फाइंड मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर हैविंग प्रेशर ऑफ CO2 इज गिवन टू यू इतना बार, और हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, ध्यान रहे किलो बार में, और ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं और कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता क्या करना है। ध्यान से देखो, हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है हमें, वो लगाना है, प्रेशर ऑफ CO2 जो गैस का प्रेशर चाहिए वही गिवन है। तो यू नो पी गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट, दैट इज CO2 इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट इज के एच। पी गैस आपको गिवन है, लिख दो 0.835 बार है। मोल फ्रैक्शन गैस का कैसे निकालेंगे, तो उसका मास मान लिया x बाई 44, ये उसके मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स में, ध्यान रहे 1 लीटर वाटर है, यू नो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो 1 लीटर है मतलब 1000 ml, तो 1000 ग्राम हो जाएंगे उसका वाटर का मास, तो उसके कितने हो जाएंगे 1000 बाई 18 मोल्स, प्लस ये मोल्स आता है, लेकिन ध्यान से देखो तो इतना कम है, उसको 44 से डिवाइड करेंगे फिर इतना ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ, इंटू ध्यान रहिए 1.67 इंटू 1000 क्योंकि किलो बार है। अब ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो गया 0.835,
ये x बाई 44, ध्यान से देखो तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, 1000 आपका नीचे, इंटू 1.67 और ये 1000, तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो, इसका मैं अगर निकाल दूं तो बाय 100 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी इसका अगर मैं निकाल दूं तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 83.5, राइट। 83.5 इज इक्वल टू एक्स बाई 44 इंटू 18 और ये 167। ये इसलिए ऐसा दिया, ध्यान से देखो तो ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, x आ जाएगा आपका 44, राइट, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2। तो ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 टू द राइट, तो यहाँ पे ये भी 29 द और 211, तो 11/9 डेट इज 1.2 ग्राम। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको N2 का गिवन है, डैट मीन्स KH आपको गिवन है 10^5/18। आप ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। N2 खुद गैस है और एयर में और कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली कौन सा गिवन है, Y वाला 0.8 है, राइट। और मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर में, डैट मीन्स ये वाटर हो गया, इसका 10 मोल में ये गैस जो भी N2 है वो कितना डिजॉल्व होगा वो निकालना है। तो वही अभी आपको बताया, सेम फार्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2 हमें चाहिए, ये ध्यान रहे, कहाँ पे पूछ रहा है, एट 5 ATM। कुछ बच्चे यही प्रेशर पुट कर देते हैं, ये जो 5 ATM है ये बताया नहीं, तो ये टोटल प्रेशर है, जबकि हमें सिर्फ किसका चाहिए, नाइट्रोजन का। तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन गैस में इंटू टोटल प्रेशर है ये 5, तो ये कितना हो गया, 4 ATM। तो 4 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में मोल्स ऑफ N2 जो कि हमें निकालना है, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ N2 भी आएंगे। आप देख सकते हो कितना कम है उसका मास, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। और वाटर के मोल्स 10 प्लस समथिंग होता, बट ये इतना लेस है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। और N2 में आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट डेट इज 10^5। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया, 4 × 10^-4, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, हमने बेटा सब कुछ समझा दिया है। अब आपको इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो, सारे PYQ को आप ट्राई कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू।